देखते ही अगर आपके हाथ पैर फूल जाते हैं और इसी कारण से आप यूपीएससी की तैयारी करने से डरते हैं, तो आप आज ये वाला जो वीडियो हम शेयर कर रहे हैं उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश को लेकर कुछ मिथ्स को तोड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या वीक इंग्लिश वाले भी IAS, IPS, IFS, IRS बन सकते हैं। हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, मगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपस में बहुत महीन धागों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल बहुत प्रचलित हो गया है। इसके अलावा अंग्रेजी दुनिया के अधिकांश देशों में बोली जाती है और समझी जाने वाली भाषा है, तो इसका प्रभुत्व हमारे देश में भी बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश कमजोर होती है वो अक्सर यूपीएससी की परीक्षा से थोड़े डरे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें CSAT पेपर 2 में इंग्लिश का टेस्ट होता है और इसमें क्वालिफाई किए बिना आप अगले चरण में नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर आप इंग्लिश थोड़ी बहुत भी समझ, बोल और लिख सकते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल CSAT पेपर 2 में लगभग सवाल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर से होते हैं। इसे जनरल इंग्लिश कहा जा सकता है और इसका स्तर वही होता है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये मूलतः अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान से संबंधित नहीं है, बल्कि अंग्रेजी भाषा की समझ से संबंधित है। इसीलिए इसे क्वालिफाई करने के लिए ना तो बहुत अच्छी अंग्रेजी की जरूरत होती है और ना ही बहुत गहरी अंग्रेजी जानने की। इसके लिए अंग्रेजी का इतना ही ज्ञान पर्याप्त होता है कि अंग्रेजी जानने वाला कोई व्यक्ति यदि आपसे आम विषय पर कुछ कहे तो आप उसे समझ जाएं, और यदि आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो किस तरह से कह सके कि सामने वाला बात समझ जाए। आपकी इंग्लिश कमजोर है ये बात आप जानते हैं, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि आप इंग्लिश में कमजोर क्यों हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कि आपको बहुत कठिन लगती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपको ये कठिन क्यों लगती है? तो इसका जवाब बहुत ही सीधा है, क्योंकि आपने अपने मन में मान लिया है कि ये कठिन भाषा है। दरअसल आपने बिना कोशिश किए ही ये मान लिया है, यदि कोशिश की भी है तो थोड़ी बहुत करके उसे छोड़ दिया है और उसके पीछे नहीं पड़े, जुटे नहीं। आप भूल गए कि किसी भी अन्य भाषा को जान लेना किसी बहुत बड़े खजाने को पा लेना जैसा होता है और ये जुटे बिना नहीं मिलता। सच तो ये है कि अंग्रेजी वाकई एक बहुत सरल भाषा है, काफी सरल भाषा है, और व्याकरण की दृष्टि से भी ये एक प्रमाणित सत्य है। अब सवाल ये उठता है कि इंग्लिश को मजबूत कैसे किया जाए। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए इस नियम को बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि इसमें ना तो एकाध दो महीने में सीखा जा सकता है और ना ही घर के किसी कमरे में एक महीना कैद हो जाए और सीख ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सबसे पहले आपसे दो बातों की मांग करता है। पहली है निरंतरता की, यानी कि कंसिस्टेंसी, और एक लंबी निरंतरता की, यानी कि आपको अंग्रेजी को रोजाना कम से कम 1 घंटा तो देना ही होगा। साथ ही इस नियम को कम से कम 1 साल तक तो निभाने का संकल्प लेना ही चाहिए। ये मैं अंग्रेजी के ठीक ठाक स्तर के लिए कह रही हूँ। जहाँ तक एक अच्छे स्तर का सवाल है, तो आप जितना गुड़ डालेंगे मिठास उतनी ही बढ़ती रहती है। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो हम जो टिप्स आपको अब दे रहे हैं इनको फॉलो कर सकते हैं। पहला टिप है, रोजाना रेडियो पर इंग्लिश और हिंदी के समाचार सुनिए। तो हिंदी के समाचार अंग्रेजी के अनुवाद होते हैं, तो इससे आपके कान इस भाषा के अभ्यस्त होने लगेंगे। दिमाग को भी अंग्रेजी भाषा को जल्दी जल्दी अपनी भाषा में अनुवाद करके उसे समझने की आदत पड़ेगी। आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द ज्ञान भी बढ़ेगा। इस प्रकार आपको थोड़ी देर के लिए अंग्रेजी का वातावरण मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संभव हो सके तो इंग्लिश की फिल्में देखें। तो टेलीविजन पर अंग्रेजी के प्रोग्राम देखें, अंग्रेजी के समाचार सुने और अंग्रेजी के डिबेट्स भी सुने। तो अन्य भाषाओं की आप ऐसी फिल्में भी देख सकते हैं जिनके संवादों के सब टाइटल्स अंग्रेजी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कभी भी कोई भी अंग्रेजी जानने वाला आपको मिल जाता है तो उससे अंग्रेजी में ही बात करें, बिल्कुल भी झिझके नहीं। सही गलत जो भी बोल सकते हैं बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, अंग्रेजी के अखबार जरूर पढ़ें और जिन शब्दों के अर्थ आपको समझ नहीं पा रहे हैं उनको डिक्शनरी में उनके अर्थ देखें। इन नए शब्दों को याद करें और मन ही मन उन शब्दों पर आधारित वाक्य भी बनाएं।
तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें। अगर आपके पास मान लीजिए कोई सवाल या सजेशन है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखकर भी हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।